आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं पूरा प्रोसेस जिसका यूज़ करके मैंने ये VFX शॉट बनाया है। और अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आसान तरीके से समझाई है। सो वेलकम टू पिक्सल क्लाउड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फुटेज की। तो ये फुटेज मैंने डाउनलोड किया है pixels.com से, जो कि मुझे बिल्कुल फ्री में मिल गया। इस फुटेज में कोई भी चीज़ ऐड करने से पहले सबसे पहले इसको ट्रैक करना होगा। तो चलो चलते हैं ब्लेंडर की तरफ। ऊपर दिए गए टैब्स में से हमको प्लस आइकन को प्रेस करना है और VFX टैब में जाके मोशन ट्रैकिंग को चूज कर लेना है। इससे हमारा ट्रैकिंग का इंटरफेस लोड हो जाएगा। फिर ओपन पर क्लिक करके अपने फुटेज को लोड कर लेना है। फुटेज को लोड करने के बाद हमको अपना फ्रेम रेंज सेट कर लेना है। मेरे केस में मैंने 300 फ्रेम्स सेट कर लिया है। फिर उसके बाद प्रीफेच पे क्लिक कर देना है ताकि टाइम लाइन पे हमारे वीडियो स्मूथली प्ले हो सके। किसी भी फुटेज को ट्रैक करने के लिए उसमें मूविंग ऑब्जेक्ट पे ट्रैकर नहीं लगाना होता है, क्योंकि अगर मूविंग ऑब्जेक्ट पे ट्रैकर लगेगा तो सीन सही से ट्रैक नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए एनोटेशन टैब में जाके मूविंग एरिया ड्रॉ कर लेना है। फिर ट्रैक टैब में जाके डिटेक्ट फीचर्स पे क्लिक कर देना है। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि वाटर पे भी मार्कर दिख रहा है, तो उसके लिए हमको डिटेक्ट फीचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्लेसमेंट को होल फ्रेम से आउटसाइड एनोटेशन पे क्लिक कर देना है। अब सीन में ट्रैकर बहुत ही कम दिख रहे हैं, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड को कम कर लेंगे और डिस्टेंस को भी डिक्रीज कर देंगे। अब ट्रैकर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। फिर ये सेम प्रोसेस लास्ट फ्रेम और मिड फ्रेम के किसी भी फ्रेम पे रिपीट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक पॉइंट्स मिल सके। अब ट्रैकिंग तो हो गई है, पर बहुत सारे मार्कर्स ऐसे हैं जो कि सही से ट्रैक नहीं हुए हैं, तो उन सभी ट्रैकर्स को हमको डिलीट करना होगा। उसके लिए ट्रैकिंग ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और जितने भी स्पाइक्स दिख रहे हैं उन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये सारे ट्रैकर सही से ट्रैक नहीं हुए हैं और आगे चल के ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे सॉल्व टैब में और की फ्रेम को चेक कर देंगे और फोकल लेंथ को भी टिक कर देंगे। इसके बाद हम सॉल्व कैमरा मोशन पर क्लिक कर देंगे। इससे होगा ये कि ब्लेंडर ये सारे ट्रैकर्स के इन्फॉर्मेशन लेके एक CG कैमरा क्रिएट करेगा, जिसको कि हम यूज़ करेंगे अपने VFX शॉट के लिए। कैमरा सॉल्व होते ही हमको यहाँ पे एरर दिखाएगा और ये एरर एक के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये एक से जितना कम होगा उतना बेटर ट्रैक होता है। अब यहाँ पे हमको 94.40 का एरर आया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम और मार्कर्स को डिलीट करेंगे जो कि नॉर्मल ग्राफ के साथ नहीं जा रहे हैं। और डिलीट करने के बाद हम फिर से सॉल्व कैमरा पे क्लिक कर देंगे और इस बार हमको 0.23 का एरर आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हमको सेटअप ट्रैकिंग सीन पे क्लिक करना है, अपने सीन सेट करना स्टार्ट कर देना है। अब अपना फुटेज का रेजोल्यूशन मैच कर देना है और कैमरा तो रेडी हो गया है पर इसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी मैच नहीं है, तो वो हमको मैनुअली करना पड़ेगा। सबसे पहले ओरिजिन सेट कर लेंगे, तो एक ऐसा ट्रैकर सेलेक्ट कर लो जिससे आपका ग्राउंड या फिर ग्रिड डिफाइन हो रहा हो। सिलेक्ट करने के बाद सेट ओरिजिन पे क्लिक कर दो। अब अपने लेआउट टैब में आ जाएंगे और ग्रिड को मैन्युअली प्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप कैमरा को डायरेक्टली रोटेट करना ट्राई करोगे तो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो एक हैक है जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। एक एम्प्टी ले लो और उसको ग्रिड के सेंटर पर रखना, फिर अपने कैमरा को एम्प्टी के साथ पेरेंट कर दो। ऐसा करने से आपके कैमरे का ओरिजिन ग्रिड के सेंटर से लॉक रहेगा और एम्प्टी को रोटेट करके इजीली अपने ग्रिड को अकॉर्डिंगली प्लेस कर दो। अब हमारा VFX शॉट का सबसे टफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इस सीन में एलिमेंट्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैंने नाइट का मॉडल स्केचपैड से डाउनलोड करा है और अब इस मॉडल को प्लेस कर देंगे और अकॉर्डिंगली स्केल कर देंगे। अब मेरे केस में मुझे मॉडल को पीछे वाले माउंटेन के एकदम क्लोज रखना है, तो इसका मतलब है कि हमको स्टैचू का शेडो माउंटेन पे कास्ट करना होगा। तो उसके लिए हमको माउंटेन को ट्रेस करके एक डमी मॉडल बनाना होगा जो कि स्टैचू का शेडो कास्ट करने में हेल्प करेगा। तो मैंने एक स्पीयर ले लिया और उसको स्कल्प्ट करके माउंटेन का रफ शेप दे दिया। अब एक बेसिक लाइटिंग कर लेते हैं ताकि आगे का काम थोड़ा ईजी हो जाए। मैंने यहाँ पर एक ओवरकास्ट SDRI यूज़ करा है क्योंकि हमारा फुटेज भी ऑलमोस्ट ओवरकास्ट ही है। अब अपने स्टैचू का टेक्सचरिंग कर लेते हैं। तो स्टैचू के लिए मैंने माउंटेन के रॉक से सिमिलर एक टेक्सचर मेगा स्कैंसर डाउनलोड कर लिया है और उसको थोड़ा कलर करेक्शन करके माउंटेन से मैच कर दिया है। फिर थोड़ा सा हाईलाइट क्रिएट करने के लिए मैंने सनलाइट का यूज़ किया और एक एंगल में लाइट को प्लेस कर दिया।
फिर मैंने डबी माउंटेन को डुप्लीकेट किया और उस ऑब्जेक्ट को होल्ड आउट कर दिया ताकि हमारा स्टैचू माउंटेन में आधा घुसा हुआ लगे, और पहले डमी को हमने शैडो कैचर दे दिया। अब इस सीन में मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना था जिससे कि सीन थोड़ा और लाइव लगे, इसलिए मैंने बर्ड्स का एक ग्रीन स्क्रीन फुटेज यूट्यूब से डाउनलोड कर लिया और क्रोमा करके उसको ब्लेंडर में इम्पोर्ट कर लिया। वाटर में स्टैचू का रिफ्लेक्शन के लिए मैंने ग्राउंड प्लेन को एक शाइनी मेटल का शेडर दे दिया। इस लेयर को हम कॉम्प में यूज़ करेंगे रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए। फिर मैंने सारे एसेट्स के लिए अलग अलग लेयर बना लिए और सबको सेपरेटली रेंडर कर लिया। अगर आपको डेप्थ में जानना है कि रेंडर लेयर्स कैसे बनाते हैं तो आप मेरे रेंडर लेयर वाली वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और मैंने पासेस पे भी सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी जाके देख सकते हैं। रेंडर कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है कॉम्पोजिटिंग की। तो कॉम्पिंग के लिए मैंने यूज़ करा न्यूक का। आप सेम फंडामेंटल यूज़ करके किसी भी कॉम्पिंग सॉफ्टवेयर में ये कॉम्पिंग कर सकते हो। फिर मैंने सारे पासेस को एक एक करके अपने फुटेज पे कॉम्प करना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग और साउंड ऐड करने के बाद ये रहा हमारा फाइनल वीडियो।